राजधानी देहरादून में नगर निगम ने रिसपना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं और उन मकान पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। साथ ही इस मामले में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसके चलते टास्क फोर्स ने मौके पर जाकर सर्वे किया और इस सर्वे के अनुसार बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से करीब 90 मकान नगर निगम, 12 मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान MDDA और अन्य 9 मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में जो माननीय NGT के निर्देश थे, जिसके क्रम में हमको रिवर बॉडी से एनक्रोचमेंट रिमूव करना था, तत्क्रम में टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसके द्वारा सर्वे किया गया था। अभी उसमें रिस्पना वाला सर्वे टीम के द्वारा किया गया है, उसकी रिपोर्ट मुझे कल शाम प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ NDDA के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो NDDA और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहाँ तक नगर निगम देहरादून के